नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक और नई वीडियो पर, जहां पर एक बार फिर से आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इस जानकारी के मुताबिक चुनाव जीत की खुशी में आप सभी लाडली बहनों के लिए सातवीं किस्त में 1500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा भी दो उपहार साथ मिलने वाले हैं। तो क्या है सीएम शिवराज सिंह चौहान की नई घोषणा जो कि लाडली बहनों को उपहार के रूप में मिलने वाली है? तो आप सभी के लिए इन दोनों उपहारों की पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि आज इस वीडियो पर आपको मिलने वाली है। तो आपको केवल इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जहाँ पर आपके लिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने में सहायता होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज द्वारा सरकार में आते ही लगातार उपहार देने की घोषणा कर दी गई है। इस प्रकार से अब आपके लिए उपहार मिलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें पहला उपहार तो आपके लिए 1500 रुपये किस्त रहने वाला है। इसके अलावा भी दो और महत्वपूर्ण उपहार हैं जो कि आपको आज प्राप्त होने वाले हैं। तो क्या वह उपहार हैं और कब मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आप सभी को यहां पर मिलने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के आते ही उनका धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस उपहार की जानकारी भी आपको मिलने वाली। हम आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि दो उपहार लाडली बहनों को प्रदान किए गए हैं, जिससे उनके लिए काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो इन दोनों ही उपहार की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। यह दो उपहार लाडली बहना योजना के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि पहले उपहार में आप सभी के लिए आवास योजना किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। इस अपडेट के मुताबिक हम आपको बता दें कि आवास योजना किस्त का पैसा जल्द से जल्द लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने वाला है, क्योंकि जिनको आवास योजना से लाभ नहीं मिला, उनको लाडली बहना आवास योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है, जिससे वह अपना पक्का मकान तैयार करने वाली हैं। यहां पर आपके लिए 25,000 रुपये तक की किस्त प्राप्त होने वाली है और लगभग 1.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे आप अपना पक्का मकान तैयार कर सकेंगे। तो पहला उपहार काफ़ी आकर्षक और महत्वपूर्ण है, जिसमें लाडली बहनों को लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरे और महत्वपूर्ण उपहार की बात की जाए तो आपको बता दें कि तीसरे चरण की घोषणा 10 दिसंबर 2023 को की जा सकती है, जब आपके लिए 1250 रुपये की किस्त जो कि सातवीं किस्त मिलने वाली है वह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपके लिए तीसरे चरण की घोषणा करते हुए वह सभी वंचित महिलाएं जिनको किस्तों में पैसा नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी आवेदन के आधार पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह दोनों ही उपहार लाडली बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि 10 दिसंबर को सम्मेलन में किए जाने वाले हैं। तो आप सभी यदि इन दोनों उपहार की और भी अधिक जानकारी चाहती हैं, तो आपके लिए चैनल से जुड़े रहना है एवं 10 तारीख को आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करना है, जो कि हम इस चैनल पर भी साझा करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको यह जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।